CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद विवादों में फंसा कौडेलिया क्रूज फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार वजह कोरोना संक्रमण है। क्रूज के चालक दल के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब इस पर सवार सभी 2000 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। ये सभी शिप पर ही फंसे हुए हैं। कौडेलिया क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। अभी यह गोवा के मोर मुंगुआ पोर्ट क्रूज टर्मिनल के पास है। अब वहाँ की सरकार ने जहाज को डॉक करने की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया है। पॉजिटिव क्रू मेंबर को जहाज के अंदर ही आइसोलेट कर दिया गया है। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले कोई भी जहाज से न उतरे। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। इसके तहत बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर जाने और 2 गज की दूरी का नियम मानना अनिवार्य है। हालांकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद क्रूज पर जारी पार्टी का जो वीडियो सामने आया था उसमें यह स्पष्ट था कि ऐसे किसी नियम को यहां मौजूद लोगों ने फॉलो नहीं किया था। इस क्रूज को मुंबई से गोवा, लक्षद्वीप और कोच्चि के लिए बुक किया जा रहा है। कोरोना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी दौरा 2022 में शुरू किया जाएगा। क्रूज में रेस्तरां, बार, ओपन सिनेमा, बच्चों के खेलने की जगह और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।